फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं यमुनानगर के जगाधरी के अग्रसेन चौक पर, जहां हरियाणा के जो क्लरिकल स्टाफ के यहां पर कर्मचारी कर्मचारी हरियाणा संघ के जो यहां पर सभी के सभी कर्मचारी यहां पर इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल अभी अभी जो बताया जा रहा है, कुछ समय पहले जो यहां पर वाटर कैनन की बरसात की गई और उसके बाद पानी की बौछारों की बरसात की गई, और देख सकते हैं सड़कों पर ये सभी यहाँ पर बैठ चुके हैं, क्योंकि पिछले एक साल से लगातार इन्हें जो है सरकार की तरफ से लॉलीपॉप देने का काम जो लगातार किया जा रहा है। लगातार टीचर्स की बात हो, कर्मचारी की बात हो, तो इस सरकार के अंदर लगातार जो है इस तरीके से इस अग्रसेन चौक से आगे नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि ये एक स्टॉप बना लिया गया है। फिलहाल वोट मांगने के लिए नेता अधिकारी नेता मंत्री लोग आपके घरों पे आते हैं, जब ये लोग अपनी मांगों को लेकर उनके घर जाते हैं, तो इस तरीके से सौतेला व्यवहार जो इनके साथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं दूर तक महिलाएँ बैठी हैं, ये देख सकते हैं वाटर कैनन की यहाँ पर बरसात की गई थी, उसके बाद आगे नहीं इन्हें जाने दिया। अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर के निवास स्थान पर पहुंचे थे, किस तरीके से अब ये सभी कर्मचारी सड़कों पर बैठने का मजबूर है। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा, कुछ लोगों से बातचीत जरूर करेंगे। शिक्षा मंत्री के निवास स्थान की तरफ जा रहे थे, रोक लिया गया, वाटर कैनन की बरसात करी, क्या कुछ कहेंगे? हमारी मांगे हैं कि जी कर्मचारियों के जो क्लरिकल है उनके वेतन बहुत कम है और 3500 उनको वेतन दिया जाए, इसको लेकर, और ACP मामले भी काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं, और इनका प्रमोशन के मामले हैं वो भी पेंडिंग पड़े, और अब तक सीनियरिटी लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। इन मांगों को लेकर सभी ऑल हरियाणा के कर्मचारियों ने आज क्लरिकल एसोसिएशन ने यहाँ पर शिक्षा मंत्री आवास पर धरना किया है। तो आप शिक्षा मंत्री जी के घर तक तो पहुँच नहीं पाए, पुलिस द्वारा जो है आपने? हमारा धरना जी बिल्कुल शांतिप्रिय चल रहा था, और इसके बीच में ही पुलिस वालों ने को सरकार के नुमाइंदों ने भेजकर उसको रोकने का प्रयत्न किया गया है, और पानी की बौछार की गई है लेडीज महिलाओं के ऊपर और जेंट्स पे भी, और इसी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। तो फिलहाल क्या आपको लगता है, नेता मंत्री वोट मांगने आते हैं, जब आप लोग अपने अधिकारियों के लिए जाते हैं, तो क्या इसी तरीके से आप लोग भी पानी छोड़ते हैं उनके? नहीं, पानी नहीं छोड़ते, अभी छुटवाएंगे, ये दोबारा वोट मांगने आएंगे तो इन्हीं का इसी तरह विरोध करेंगे हम। तो फिलहाल ये देखा आपने, कर्मचारी यहीं पर बैठे हैं, और लगातार आगे इनके प्रतिनिधि जितने भी हैं उनसे एक बार बातचीत जरूर करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं पूरी मांगों को लेकर, क्योंकि लगातार पुलिस द्वारा जो है बैरिकेडिंग की गई, सामने से वाटर कैनन की जो बरसात भी यहाँ पर की गई है, और साथ ही साथ तस्वीरें आप देख सकते हैं वाटर कैनन पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पर आए समय जो है हर बार के लिए हर कर्मचारी या किसी भी तरीके से अध्यापक यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए जो है रास्ते पूरे बंद कर दिए जाते हैं, और अग्रसेन चौक पर ही उन्हें रोक लिया जाता है, और अगली बार अगर यही नेता मंत्री अगर आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे तो इसी तरीके से गली के मोड़ पर इन्हें रोक दीजिए। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। आइए एक बार बातचीत जरूर करेंगे इनके जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर है सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ के, क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर्व कर्मचारी संघ के यहाँ पर लोग बैठे हैं, वाटर कैनन की बरसात हुई थी, क्या कुछ पूरी बातचीत है, किन मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे, एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंदर सिंह बधाणा, मैं सर्व कर्मचारी संघ का प्रवेश प्रवक्ता हूँ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आज जो है पूरे प्रदेश में ब्लॉक सत्र से आंदोलन शुरू करके जिला सत्र पे हर माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है, उसके बाद सभी मंत्रियों को विधायकों को ज्ञापन देके हम शिक्षा मंत्री के आवास पे आए हैं। पीछे भी दो दौर की वार्ता हमारी मंत्री जी के साथ हुई है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया परंतु जो वायदा किया उसके पे खड़े नहीं उतरे, आज वायदा खिलाफी का जवाब मांगने हम यहाँ यमुनानगर जगाधरी की धरती पे आए। आप शिक्षा मंत्री के निवास स्थान की तरफ जा रहे थे, वाटर कैनन की बरसात की गई, पुलिस बल, क्या कुछ कहेंगे? ये जो है ना, ये सब कुछ है असल में मंत्री के इशारे पे हो रहा है। प्रशासन का काम है जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। हम सुबह 11 बजे यहाँ पहुँचे और 11 बजे पहुँचने के तुरंत बाद प्रशासन का संदेश आया कि भी आप क्या चाहते हो, हमने अपना जो मंशा थी भाई हम
बातचीत करना चाहते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी ने हमारे को वायदा किया था, उस वायदा खिलाफी जो उनने की है उसका जवाब लेने के लिए हम आए हैं। और 2:45 तक हमने वहाँ सभा की, शांति प्रिय सभा की, और फिर हम वहाँ से अपना प्रदर्शन लेके ये पेट्रोल पंप से यहाँ तक आए। और आते ही हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात कुछ नहीं कहा। हमारे को मुख्य जो संदेश जो जाना चाहिए था शिक्षा मंत्री का, प्रशासन का, वो संदेश हमें नहीं मिला। ये पूरा मतलब ये था कि आक्रोश था लोगों का, पूरे एक साल से पीछे हम इंतज़ार कर रहे हैं, बातचीत के माध्यम से मसलों का हल चाहते हैं, परंतु सरकार मसलों का हल करने की बजाय वो आक्रोश था। आज सुबह सुबह मंत्री जी की मीडिया के माध्यम से एक वीडियो में मिली, और उसमें साफ तौर पे मंत्री जी ये कह रहे हैं स्कूलों का मर्जिंग होगा, स्कूल बंद भी होंगे, क्लस्टर पे एक स्कूल होगा और पोस्टें कैप्ट भी होंगी, परंतु सरकार का जो ये वादा था, सरकार ये कह रही है रोजगार देंगे, सबको शिक्षा देंगे, सबको न्याय देंगे, उस वायदे का क्या हुआ? हम ये मांग पूछने के लिए शिक्षा मंत्री के पास आए थे। मैडम, किस तरीके से महिलाओं पर पानी की बौछार कर दी गई, प्रशासन के द्वारा बार बार रोकने का प्रयास किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना एक घृणित कार्य किया गया? ये जबरदस्ती का व्यवहार वो कर रहे थे, हम तो शांति प्रिय आगे बढ़ रहे थे अपने जत्थे के साथ, ये बहुत गलत हुआ सर। हम सरकार की निंदा करते हैं। आप सरकार की निंदा करते हैं, तो सर क्या कुछ मांगे, डेलीगेशन ही गया हुआ है, क्या कुछ लगता है कि बातचीत होगी? डेलीगेशन से अभी वो बातचीत करने के लिए गए हैं, वो आएंगे, क्या रुख रहेगा प्रशासन का, सरकार का, उस रुख के बाद हम अपना अगला जो एक्शन है। मांगे नहीं मांगे तो आगे ये क्या रणनीति आने? बिल्कुल आगे जो है हम वो सरकार पे डिपेंड है, उनका रुख नेगेटिव होगा तो हम यहाँ से आगे आंदोलन की घोषणा करेंगे। हाँ, पूरे हरियाणा के एजुकेशन के क्लरिकल स्टाफ जो है वो सारा यहाँ आया हुआ। तो हरियाणा क्लरिकल एजुकेशन का जो पूरा स्टाफ यहाँ पर फिलहाल मौके पर पहुँचा था, और क्या कुछ पूरी मांगे थी ये हमने आपको बताया, और डेलीगेशन के बाद ही पता लगेगा क्या कुछ पूरी बातचीत हुई है।